जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं बुद्ध देवता जो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, अभी तक वो वृश्चिक राशि में विराजमान थे, अब बुद्ध देवता धनु राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसे बुद्ध देवता को मैं प्रणाम करता हूं। ओम श्री बुद्ध देवताय नमः। ओम श्री व्यापार धन धान्य बुद्धि विद्या प्रदायकाय नमो नमः। ओम श्री पितृ देवताय नमो नमः। अब पितृ देवता कह के मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल फादर हैं, क्योंकि मेरी लगन जो है वो कन्या लगन है। तो ये बुद्ध देवता 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन शाम को 9:32 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इन बुद्ध देवता के धनु राशि में प्रवेश करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले सभी व्यक्तियों के जीवन पर क्या क्या शुभ या क्या क्या विपरीत अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन उस सबसे पहले आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके बारे में मैं एक बार चर्चा करूं। जिस समय बुध देवता वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय आसमान में सिंह राशि उदय हो रही है, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है, चंद्र देवता नीच के हैं मगर वृश्चिक राशि में विराजमान है, शुक्र देवता पीड़ित है मगर वृश्चिक राशि में विराजमान है, वृश्चिक राशि की वजह से ही वो पीड़ित है, मंगल देवता सूर्य देवता और बुध देवता ये तीनों जाकर अब धनु राशि में विराजमान है, शनि महाराज अपने स्वयं के घर में कुंभ राशि में विराजमान है, राहु महाराज मीन राशि में विराजमान है और देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु जो हैं, बृहस्पति देवता धर्म के जो गुरु हैं, जो धर्म के देवता हैं, वो बृहस्पति देवता मेष राशि में विराजमान है। और यहां पर मेष राशि और धनु राशि के बीच में यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में राशि परिवर्तन का योग बना हुआ, क्योंकि मंगल देवता धनु राशि में विराजमान है और बृहस्पति देवता मंगल राशि में, यानी वैसे दोनों मित्र हैं आपस में और एक दूसरे के घर में जाकर बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में राशि परिवर्तन का योग भी बनता है, जिसके निश्चित रूप से शुभ परिणाम सभी राशि वाले व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। इसकी चर्चा मैं प्रारंभ करूं, उस सबसे पहले मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में उन सभी व्यक्तियों का जिनका आज जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनके लिए भगवान शनि देव से मंगल कामना करते हैं कि भगवान शनि देव आप सभी लोगों के जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा करते रहें, आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का अभाव ना हो। इस मंगल कामना के साथ आप सभी लोगों को भगवान श्री शनिदेव जो यहां पर एक हाथी के ऊपर अपने अद्भुत स्वरूप में आनंद के साथ पालती मार कर बैठे हुए हैं, इस अद्भुत स्वरूप के दिव्य दर्शन कर शनि पीठ मंदिर 16/24 आने वाले सभी लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि भगवान शनि देव ने उनको बुलाया है। यहां पर हर किसी का आना संभव नहीं है, भगवान शनि देव स्वयं जिनको बुलाते हैं
केवल वही व्यक्ति यहाँ पर आ पाते हैं। इस शनि पीठ के पीठाधीश भगवान शनि देव से मैं आप सभी के लिए जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और अपनी अपनी परेशानियों के लिए भगवान शनि देव से यहां आकर प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों भक्तगणों को, आज मैं बुध ग्रह के इस राशि परिवर्तन पर डिटेल में समझाने जा रहा हूं। बात करूंगा मैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए ये जो बुध देवता का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, वो राशि परिवर्तन हो रहा है आपकी हिम्मत, आपकी डेर वाले खाने में, आपके भाई बहनों वाले खाने में। तो ऐसी स्थिति में जब बुध देवता मंगल देवता और सूर्य देवता के साथ वहां बैठकर आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके मेहनत से, आपके भाई बहनों के साथ होने की वजह से आपको, यानी उन स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सफलता मिलेगी। उन स्टूडेंट्स को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, सफलता मिलेगी। उन लोगों को जो राजनीति में हैं, एमपी एमएलए और काउंसलर की टिकट की कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। उन लोगों को जो सरकार में मंत्री पद चाहते हैं, सफलता मिलेगी। उन लोगों को जो नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीजमेंट और ट्रांसफर चाहते हैं, सफलता मिलेगी। मगर यहां कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा और भाई बहनों की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। यहां पर साथ तो आपका, आपके जो भाग्य में बैठे हुए देवता है वो भी आपको देंगे। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर आप निश्चित रूप से सुख, संपत्ति और संपन्नता के साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मगर आप में से बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो उसमें गुरुजी कोई कारक नहीं है। मैं जो व्याख्या कर रहा हूं आसमान के ग्रहों की स्थिति में, अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रह बहुत ही ज्यादा खराब हैं, तो उन जन्म कुंडली के खराब ग्रहों की वजह से ये शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब ऐसी स्थिति में आपके पास चारा क्या है कि आप किसी भी प्रकार से मुझसे, यानी गुरु रजनीश ऋषि से, मेरे 33 वर्षों के इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का, मेरी मंत्र साधनाओं का, जो मैंने मंत्र सिद्धि कर रखी है, उनका लाभ उठाएं। यानी कि अपनी जन्म कुंडली दिखाकर मुझसे या स्वामी राज ऋषि से किसी भी प्रकार से मुलाकात करें, चाहे वीडियो कॉल के द्वारा, चाहे स्वयं शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर हमसे मिलें और अपनी जो परेशानियां हैं उनके बारे में हमसे चर्चा करें। अगर आपके पास जन्म कुंडली की बर्थ डिटेल नहीं है, कि जन्म की तारीख, जन्म का समय आपको नहीं पता है, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। हम अपने अनुभव के आधार पर आपके चेहरा देखकर, आपकी परेशानियों को सुनकर निश्चित रूप से आपकी मदद करने में सक्षम हैं। और इसी वजह से हम 133 देशों के लोगों के बीच में, जो विदेशी लोग हैं, दुनिया के कोने कोने से हमसे मिलने, स्वयं यहां हमारी शनिपीठ 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली मिलने आते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे हजारों वीडियो हमारी YouTube चैनल पर, वेबसाइट्स पर लगे हुए हैं। तो जब ये लोग अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अरब कंट्रीज, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से आकर लाखों रुपए सिर्फ इस बात के लिए खर्च करते हैं कि वो हमसे मिल सकें, तो भाई मैं तो आपको घर बैठे भी वीडियो कॉल की सुविधा दे रहा हूं। नंबर सामने है, चारों नंबरों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ही नहीं करना है,
आपने इन इन में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हमारी बात गुरुजी से कराई जाए, हमारा नाम ये है, ये व्हाट्सएप मैसेज आप हमें भेजिए। या फिर स्वयं शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर मुझसे या स्वामी राज ऋषि से फेस टू फेस आकर मिलिए और अपनी परेशानियों के लिए छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो साल में एक बार, दो साल में एक बार या फिर तीन साल में एक बार करने होते हैं उनको करिए। कोई 21 हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो दोबारा आने वाले लोग ही पसंद नहीं है, हमें तो अपनी क्षमता पर डगमगा जाएगी अगर लोग हमारे पास बार बार आने लगेंगे कि भाई हमने तो इसकी परेशानी ठीक कर दी, अब ये दोबारा हमारे पास क्यों आया है। अरे दो साल बाद आए तो चलो समझ में आता है, या साल भर बाद आए कोई नई परेशानी खड़ी हो गई या किसी नाते रिश्तेदार के साथ आ रहा है फिर तो कोई बात नहीं है कि उसको कोई परेशानी तो उसको साथ लेके आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपनी ही परेशानी के लिए दोबारा आता है तो हमारी हमारी बुद्धि थोड़ी डगमगा जाती है। वैसे ऐसा होता बहुत रेयर केस में कि 100 में से एक व्यक्ति कोई आ गया, क्यों, क्योंकि उसे याद आ गई मैंने गलत डेट ऑफ बर्थ बताई है, गुरुजी अब मैंने गांव में पता किया, अपने माँ बाप से घर से डिस्कशन किया तब पता चला मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ऐसा एक आध केस आता है, 100 में से एक केस ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी लोग हमारे पास दोबारा नहीं आते हैं, जब उनकी उपायों की अवधि खत्म हो जाती है तो दोबारा बनवाने के लिए आते हैं कि ये हमारा उपाय बेकार हो गया, अब काम नहीं करा, दोबारा बनवा दीजिए, या अपने रिश्तेदार या परिवार वालों को लेकर आते हैं। तो अब आप देर मत करिए, वीडियो कॉल के नंबर आपके सामने में है, शनिपीठ का एड्रेस आपको पता है, और नहीं है तो गूगल मैप में हमारा नाम डाल के देख लीजिए, गुरु रजनीश ऋषि या स्वामी राज ऋषि, गूगल मैप के थ्रू आपको अपने आप ही लोकेशन और डायरेक्शन सब मिल जाएगी। जय शनिदेव। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मुझे बहुत सारा समस्या था, बाद में गुरु जी का वीडियो देखा, देखने के बाद गुरु जी से मैंने संपर्क किया, संपर्क करने के बाद में गुरु जी ने मुझे उपाय बताया, वो उपाय किया, उपाय करने के बाद में मुझे बहुत सारा लाभ प्राप्त हुआ। गुरु जी ने रिंग 2 बना के दिए, वो धारण किए, बाद में तो उससे भी बहुत ज्यादा मुझे लाभ प्राप्त हुआ।